झांसी जिला कारागार के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर दुकानें चलाने वालों के खिलाफ नगर निगम टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाया, जहां अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण कर मैकेनिक की दुकानें संचालित की जा रही थी, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था। नगर निगम की टीम को देखकर कई मैकेनिक वाहन लेकर भाग निकले, जबकि कई नगर निगम दस्ते की पकड़ में आ गए। नगर निगम टीम ने मौके से 5 वाहनों को पकड़कर जब्त कर लिया और पूरे स्थान को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। नगर निगम के अधिकारी प्रदीप अग्निहोत्री ने बताया कि मौके से 5 खराब पड़ी हुई गाड़ियां जब्त की गई हैं और ₹3,000 जुर्माना किया गया। बाकी लोग गाड़ियां लेकर भाग गए हैं। अब इस क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे और सुंदर बनाएंगे। सारी गंदगी को खत्म करने के लिए सफाई अभियान चलाया जाएगा। जनता की ओर से इसे लेकर काफी शिकायतें आ रही थी। कितनी ऐसी गाड़ी है जिनको उठाया गया? आज हम लोगों ने यहाँ मौके से 5 खराब पड़ी हुई गाड़ियां जो कई दिनों से यहाँ पे कब्जा किए हुए थे, उन सबको जब्त किया है और लगभग ₹3,000 जुर्माना भी किया है। बाकी सारे लोग जो गाड़ियां जमा किए हुए थे आप ही के सामने अपनी गाड़ी ले लेके भाग गए हैं। अब हम लोग इस एरिया को सुंदर बनाएंगे, साफ रखेंगे हमेशा, और जितनी भी इसकी आड़ में गंदगी थी वो सारी गंदगी को साथ ही साथ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। ये कार्रवाई आपकी हमेशा चलती है, आज ही की है? ये कार्रवाई हम लोग हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र में जाके इसको अमल में लाते हैं। आज इस एरिया का वार्ड नंबर 51 का टर्न था, कई पब्लिक के द्वारा शिकायतें भी थी कि सर इसको करवा दिया जाए, तो आज जनता इसको देख के संतुष्ट हो।